हेलो दोस्तों, तो कॉलम एंड स्ट्रट चैप्टर में हम ये आज टॉपिक करने वाले हैं एंड कंडीशंस ऑफ द कॉलम। तो देखिए, कॉलम को जब हम लगाते हैं तो उसकी एंड कंडीशंस बस मतलब उसको दोनों साइड से किस तरह से उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी कंडीशन किस तरह की है। तो अलग अलग कंडीशंस हैं। पहला है बोथ एंड हिंज्ड, तो दोनों एंड जो है वो हिंज्ड हो जाए, ठीक है। हिंज मतलब उसको एक पिन से जोड़ा जाए, तो उसको कहते हैं हिंज। और दूसरा है वन एंड इज फिक्स्ड, एक एंड है वो फिक्स है, ठीक है, और दूसरा हिंज है, तो सेकंड जो है दो अदर जो है वो है हिंज। इसमें दोनों हिंज थे लेकिन यहां पे एक फिक्स है तो दूसरा हिंज है, और यहां पे है बोथ एंड फिक्स्ड, और यहां पे लास्ट में है वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, वो फ्री टू मूव है, ठीक है, ऐसे है। तो अलग अलग कंडीशन है, दो देखते हैं। इसमें मेन जो पार्ट समझने वाला है वो क्या है, वो है हमारे पास कि इसकी एक लेंथ होती है एक्चुअल लेंथ और एक होती है इक्विवेलेंट लेंथ, किस तरह से वो देखते हैं। देखिए, जब भी हम कॉलम लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो कंप्रेसिव में ही हो, लेकिन अगर वो बकलिंग में फेल होता है, ठीक है, तो बकलिंग में अगर फेल होता है तो उसके अंदर अलग अलग कंडीशन में किस तरह से चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। देखिए, मान लो कि मेरे पास ये एक कॉलम की तरह एक्ट कर रहा है और मैं इसको कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा हूं इस तरह से, और हिंज मैं मानता हूं कि इस तरह से मैं अगर पकड़ता हूं तो मैं इसको हिंज मानता हूं कि हिंज कर दिया मैंने पॉइंट को। अगर मैं हिंज को करता हूं इसको दोनों तरफ से और इसको कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूं, ठीक है, इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूं, तो देखो ये बक्कल हो जाएगा, ये इस तरह से यहां से अच्छा दिखेगा और ये बक्कल हो जाएगा, देखो। और बकलिंग जो शुरू हुई है वो यहां से शुरू होगी, यहां से शुरू होकर लगातार यहां तक बक्कल हो रहा है, तो मतलब इसकी जितनी लेंथ थी एक्चुअल और इक्विवेलेंट लेंथ उतनी ही है। इक्विवेलेंट लेंथ उसे कहेंगे जितना मेरा कॉलम ये बेंड होगा, जहां से वो बेंड होना शुरू होगा और जहां तक वो बेंड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, तो यहां से शुरू हुआ यहां तक गया बेंड, तो ये जो बेंड हो रहा है, बक्कल हो रहा है, ये पूरा इक्विवेलेंट लेंथ और एक्चुअल लेंथ के बराबर है। तो आपको अगर दिखाना चाहें तो वो कुछ इस तरह से दिखाएंगे, और जो आप देखना बुक्स वगैरह में, तो मेरे पास यहाँ पे दिखा देंगे कि ये मेरे पास लेंथ है जो कि एक्चुअल लेंथ है, ठीक है, और यहाँ से ये कंप्रेसिव फोर्स डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये कंप्रेसिव फोर्स डाल रहे हैं, और जो बकलिंग हो रही है वो यहां से लेके यहां तक हो रही है, ये इस तरह से यहां से यहां हो रही है, तो ये बकलिंग हो रही है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये बकलिंग है, और अगर मैं इसकी लेंथ है, मैं कहता हूं कि एक्चुअल लेंथ जो है उसको एक्चुअल लेंथ उसको हम मान लेते हैं एल, और इक्विवेलेंट लेंथ जो है इक्विवेलेंट लेंथ उसको हम मान लेते हैं कैपिटल एल, इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल एल। तो यहां पे देखिए, अब इस कंडीशन में क्या होगा, जितनी मेरे पास एक्चुअल लेंथ है, ठीक है, जितनी मेरे पास एक्चुअल लेंथ है उतनी ही मेरे पास इक्विवेलेंट लेंथ है, तो एल इज इक्वल टू एल आ जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से बकलिंग होगी इस केस में। दूसरा केस क्या है कि वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज, तो फिक्स के लिए मैं क्या करता हूं कि यहां से ये देखो ये है, इसको मैं यहां से पकड़ लेता हूं, और जब इसको पकड़ता हूं तो देखना इसकी कंडीशन, देखना किस तरह से टर्न होता है, ये आप देख सकते हो, ये देखो इसकी शेप देखो किस तरह से जा रही है, पहले ये यहां से यहां तक सीधा रह रहा है, ठीक है, पहले ये स्टार्टिंग में सीधा रह रहा है और उसके बाद ये टर्न हो रहा है, यहां पे ये बकल हो रहा है, तो देखो इसकी शेप देखना, तो यही बनती है ना बुक में, आप एक बार देखना। और सच में बताऊं, ये जब ऐसी कहीं बैठा था, ठीक है, पार्क वगैरह में,
तो ये मेरे हाथ में था, ये एक झाड़ू का तीला था, तो मैं इसको ऐसे कर रहा था, तो देखा तो ये तो सेम शेप बन गया, तो एग्जाम्पल के लिए अच्छा रहेगा मुझे लगा। ठीक है, तो ये देखना, अब इस केस में मेरे पास क्या है कि एक एंड जो है मेरे पास वो हिंज्ड है और दूसरा फिक्स है। तो मैं यहां से यहां जाता हूं और इसको दिखाता हूं ये, और जब अगर मान लो कि ये ऊपर वाला फिक्स है, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि मेरे पास ये स्टार्टिंग में रहेगा सीधा और फिर हो जाएगा बक्कल, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फिक्स है, ये पॉइंट क्या है, फिक्स, और दूसरा पॉइंट क्या है, हिंज्ड। ठीक है, ये है। अगर कहता है बोथ हैंड फिक्स हो जाए, तो हमें क्या है, हम जैसे एक को फिक्स करके देख रहे थे, हम दोनों को फिक्स कर लेंगे। ठीक है, और इसमें एक चीज आपको करानी रहेगी कि अगर इसका इक्विवेलेंट लेंथ और एक्चुअल लेंथ में क्या डिफरेंस होगा, तो हमारे पास जो इसकी इक्विवेलेंट लेंथ होगी वो एक्चुअल का √2 से डिवाइड कर दो। जब ऐसे कर दोगे तो मेरे पास इक्विवेलेंट लेंथ आ जाएगी। तो ये वाली लेंथ जो है यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक, ये कौन सी है, इक्विवेलेंट लेंथ, ये यहां से यहां तक, ये कौन सी है, इक्विवेलेंट। और एक्चुअल कितनी थी, यहां से पूरी यहां तक, तो ये एक्चुअल थी। तो एक्चुअल को √2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास इक्विवेलेंट लेंथ आ जाएगी। कितना आसान है यार, देखो आपको सब कुछ करा कराया मिल रहा है, ये सारी कैलकुलेशन सब कुछ करी हुई है, हमने सिर्फ पढ़नी है। ठीक है, ये हमें ये नहीं खपाई करनी पड़ी ना कि करके देखो यार इसको कितना आएगा, फॉर्मूला बताओ कितना आएगा, ये सब कुछ करके दे दिया आपको। तो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट है हमारे पास कि बोथ एंड फिक्स्ड, जैसे हमने एक को फिक्स किया था वैसे हम दोनों दोनों को फिक्स करके देते हैं, इसको पकड़ लो और इसको पकड़ लो। तो और इसको जब दबाएंगे देखो कुछ इस तरह से, तो ये पहले सीधे रहेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में सीधे रहेंगे और बाद में वो बक्कल हो जाएंगे। और आप बुक में देखना, बड़ा मजा आएगा आपको, ये सेम आपको डायग्राम मिल जाएंगे। ठीक है, सेम डायग्राम मिल जाएंगे और आपको लगेगा हाँ यार सेम वही का वही बन रहा है। और इसको करके देखना, आप एक बार जरूर करके देखना, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा ये देख के कि हाँ यार ये ऐसा होता है, एक्चुअल में होता है, और ये नहीं है कि सिर्फ बुक्स में लिखा हुआ है इसलिए, ये होता है एक्चुअल में। तो यहां से ये सीधा रहेगा, फिर ये बक्कल कर जाएगा और फिर ये सीधा होगा। तो दोनों एंड जो है वो फिक्स है, यहां पे भी फिक्स है और यहां पे भी फिक्स है। ठीक है, और इसकी इक्विवेलेंट लेंथ जो है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी L/2, एक्चुअल का आधा। ठीक है, एक्चुअल का आधा। अब अगला आ रहा है कि वन एंड फिक्स है, अदर इज फ्री। तो इस केस में जो आम से एग्जाम्पल मेरे दिमाग में, आम से एग्जाम्पल घूमते रहते हैं कि आम एग्जाम्पल क्या होगी दुनिया में, तो आप देखना जब भी तंबू लगते हैं कैन बड़े बड़े, आप देखना कहीं सत्संग का हो रहा है प्रोग्राम, वहां पे बड़े बड़े तंबू लगे हुए हैं, तो वहां पे जो नीचे बांस के कॉलम खड़े किए होते हैं जिसके सहारे वो खड़ा होता है, ठीक है, तो वो कॉलम जो होते हैं ना वो एक तरह से नीचे से फ्री होते हैं, आप देखना कभी। ठीक है, ऊपर से उसे पकड़ा होगा, फिक्स करने करा होता है, ठीक है, और नीचे से और वो फ्री होगा। तो वो जो फ्री है, इस तरह का अगर कुछ है, तो वो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं कि ये यहाँ पे नीचे जमीन पे फ्री है, इस तरह से है, ठीक है, और ऊपर से फिक्स है, ऊपर से ये फिक्स है, तो ये किस तरह से हो, अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी, इसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी और इक्विवेलेंट लेंथ होगी वो कुछ इस तरह से होगी, एक्चुअल ये होगी और इक्विवेलेंट इससे डबल हो जाएगी, कि बकलिंग शुरू होगी वो यहां खत्म नहीं होगी, उसके कर्व जो है वो इस तरह से होगी। ठीक है, तो डबल मतलब दोगुना हो जाएगा। तो मेरे पास जो इसकी इक्विवेलेंट लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ का डबल हो जाएगा। तो ये था हमारे पास एंड कंडीशंस ऑफ द कॉलम।
ठीक है, और ये करके देखो मेरे भाई, बड़ा मजे आने वाले आपको। ये आप हाथों से करो और ज्यादा कुछ मटेरियल लगना नहीं है, और अगर आप करोगे इसको तो आपको आनंद आने वाला है, ये गारंटेड है। ठीक है, आपको ये टॉपिक समझ आया तो लाइक का बटन जरूर दबाया कीजिए और फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े, ठीक है, वहां से आपको सारी वीडियोस की अपडेट आती रहेगी। ठीक है, और काफी मैंने वीडियोस बनाई हैं, और अगर आपको लगता है कि मैंने और वीडियोस देखनी है और मुझे मिल नहीं रही क्योंकि ज्यादा वीडियोस बन जाती है तो वहां मिलती नहीं है, तो आप सर्च बॉक्स में जो भी टॉपिक लिखेंगे उसके साथ गियर इंस्टीट्यूट लिख दीजिए, आपको वाला टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक गोल बटन आएगा, उसको आप दबाना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच।